पाकिस्तान में फिर होगा तख्ता पलट। क्या चली जाएगी इमरान खान की कुर्सी? इमरान खान की उल्टी गिनती शुरू। कश्मीर पर चारों खाने चित होने वाले पाकिस्तान के पीएम इमरान खान के आगे कुर्सी बचाने का खतरा मंडरा रहा है। दुनिया के सामने इमरान का हर झूठ और ड्रामा फेल हो चुका है। कई सालों से पाकिस्तान की जमीन पर पल रहे आतंकियों के अकाउंट ठप हो गए। कंगाल पाकिस्तान कटोरा लेकर खड़ा है और दुनिया भीख तक देने को तैयार नहीं है। ऐसे में इमरान खान की कुर्सी डगमगा रही है। ये तस्वीर इमरान के लिए किसी खतरे की घंटी से कम नहीं है। इमरान की गैर मौजूदगी में पाकिस्तान के आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा पाकिस्तान के बड़े व्यापारियों के साथ आर्थिक नीति पर चर्चा कर रहे हैं। आर्मी चीफ का व्यापारियों से मिलना पाकिस्तान में बन रहे सियासी संकट की ओर इशारा कर रहा है। अब तक जो खेल पाकिस्तान की आर्मी पीछे से खेलती थी वो अब खुलकर सामने आ गया है। इमरान खान को पाकिस्तान सेना ने ही गद्दी पर बिठाया था, लेकिन इस समय पाकिस्तानी सेना ही उनसे नाराज चल रही है। कश्मीर पर इमरान के सारे हथकंडे फेल हो गए। आतंकी हाफिज सईद पर सारी चाल बेकार हो गई। संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान की किरकिरी हुई। इमरान पूरी तरह से एक्सपोज हो चुके हैं। पाकिस्तान के अंदरूनी हालात बेकाबू हो रहे हैं। ऐसे में फौज के एक बार फिर सत्ता में काबिज होने की अटकलें लग रही हैं। बाजवा का कार्यकाल 3 साल के लिए बढ़ चुका है और उनके पास पूरा मौका है अपने लंगड़े प्यादे को रास्ते से हटाने का। वैसे भी तख्ता पलट का पाकिस्तान में इतिहास बहुत पुराना है। अब तक पाकिस्तान में 3 बार तख्ता पलट कर सेना ने कब्जा किया है। पहली बार पाकिस्तान में 1958 में सेना ने तख्ता पलट किया था। आर्मी कमांडर इन चीफ जनरल अयूब खान ने पाकिस्तान के राष्ट्रपति इस्कंदर मिर्जा को राष्ट्रपति के पद से हटा दिया था। दूसरी बार 1971 में भारत के हाथों युद्ध में करारी हार और बांग्लादेश बनने से पाकिस्तान में असंतोष फैल गया। इसी का फायदा उठाते हुए आर्मी चीफ जनरल जियाउल हक ने 1977 को देश के प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो का तख्ता पलट कर दिया था। इसके बाद जनरल जियाउल हक ने जुल्फिकार को मौत के घाट उतार दिया था। तीसरी बार साल 1999 में कारगिल में भारत के हाथों युद्ध में हार के बाद तत्कालीन आर्मी चीफ जनरल परवेज मुशर्रफ ने नवाज शरीफ की सरकार का तख्ता पलट कर दिया। इसके बाद 12 अक्टूबर 1999 को तत्कालीन प्रधानमंत्री नवाज शरीफ और उनके मंत्रियों को गिरफ्तार कर लिया गया था। इमरान सरकार नाजुक दौर से गुजर रही है। विदेश और आर्थिक दोनों मोर्चों पर पाकिस्तान की हालत खराब है। आपको क्या लग रहा है कि पाकिस्तानी मीडिया ने सरकार को बुरी तरह से घेर रखा है? नेताओं और मंत्रियों को जवाब देते नहीं बन रहा है। डिप्लोमेसी में तो हम मीडिया से मार खा गए सर। कैसे खाया सर? बताइए क्या मार खाई है, जरा स्पेल आउट कीजिए, बताइए क्या मार खाई है? एक फॉरेन प्राइम मिनिस्टर, एक दूसरी जमीन पे क्या हुआ, दूसरी सर जमीन क्या हुआ, उनके प्रेसिडेंट को लेके अपने जलसे में चला जाता है और प्रेसिडेंट चला जाता है। अमेरिका की हिस्ट्री में कभी ऐसा हुआ ही नहीं। आई टेल यू 2020 का इलेक्शन है, वहां उनके वोट है, उनकी फंडिंग की उधर दरकार। तो हमारे भी है सर, वोट भी हमारे हैं, तो हमने अपने, हमारे भी वोट हैं, तो हमने उन वोटों को हमने अपना इन्वेस्ट किया है। कमजोर पड़ चुके इमरान के खिलाफ विपक्ष ने भी इमरान के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पाकिस्तान में प्रमुख दक्षिणपंथी धार्मिक पार्टी ने इमरान खान सरकार को हटाने के लिए 27 अक्टूबर से आजादी मार्च का ऐलान किया है। पार्टी ने देश में आर्थिक संकट के लिए इमरान सरकार को दोषी ठहराया है। वहीं बिलावल भुट्टो लगातार इमरान खान को निशाना बना रही हैं। कि नजर नहीं आया कि मोदी ने क्या मकबूजा कश्मीर छीन लिया है। पहले हमारा कश्मीर पे पॉलिसी क्या होता था? पहले पाकिस्तान का पॉलिसी होता था कि अब श्रीनगर कैसे लेंगे। अब खान की बात, इमरान की नाकामी की बात, सिलेक्टेड की वजह से, इनकी नाकामी की वजह से, इनकी ग्रीड की वजह से पाकिस्तान का क्या पोजिशन है कि हम मुजफ्फराबाद को कैसे बचाएंगे। ये आज पाकिस्तान की फॉरन पॉलिसी की पोजीशन है। बहरहाल पाकिस्तान में एक बार फिर सियासी संकट मंडरा रहा है। कश्मीर बचाओ का ड्रामा फैलाने वाले इमरान के सामने अब कुर्सी बचाओ की नौबत आ खड़ी हुई है।